सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरें वेख रहे हैं। आप सब का स्वागत कर दी। खबरें शुरुआत करांगे, पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस ते। खेती कानून खिलाफ अज भारत बंद। पिछले 13 दिनों तो दिल्ली की सरहद से डटिया किसान जथेबंदियां, कई थावां ते रोकी गई रेलां, उड़ीसा विच भी ट्रेनां रोकिया। भारत बंद नूं पंजाब विच भरवां हुंगारा, सूबे दे सारे जिले मुकम्मल तौर ते बंद। केंद्र दे खेती कानून खिलाफ संसद मैंबर अमरीत सिंह बीटू ते गुरजीत सिंह औजला दा जंतर मंतर ते धरना जारी, क्या विशेष इजलास सद के कानून रद्द करे केंद्र सरकार। केंद्र दे 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध करदियां किसानों ने अज भारत बंद का सदा दिता होया। पिछले 13 दिनों तो दिल्ली की सरहद के नाल सिंघू बॉर्डर से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन ते सरकार दरमियान हुई गलबात का हुण तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकया। हालांकि 9 दिसंबर नूं यानी कि कल एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां ते केंद्र सरकार विचाले गलबात होगी, पर इस तो पहला किसान जथेबंदियां ने समूह लोगों नूं भारत बंद विच शामिल होण दा सदा दिता। केंद्र दे खेती कानूनों का विरोध कर रही किसान जथेबंदियों वालों अज भारत बंद के मद्देनज़र एक किसान जथेबंदी के मैंबर ने महाराष्ट्र के बुलटाणा जिले में ट्रेन रोकी। स्वामी विभानी शेतकारी जथेबंदी के मैंबर ने बुलटाणा जिले में मलकापुर स्टेशन से चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रैस में रोक के खेती कानूनों खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस ने रेल पटरियों तो प्रदर्शनकारियों हटाने मगरों जथेबंदी के आगू रवि कांत और उन्होंने समर्थकों हिरासत में लिया। नवी मुंबई, नासिक, धुले, पुणे और सोलापुर की खेती उत्पाद बाजार कमेटियां भारत बंद के मद्देनज़र बंद रही ने। इस तो इलावा उड़ीसा में भी ट्रेना रोकी गई ने। ट्रेड यूनियनस किसान यूनियन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ट्रेना रोकी गई ने। केंद्र सरकार वालों खेती बाबत पास किए नवे कानूनों नूं लैके जिथे किसान दिल्ली दीआं सड़कां ते डटे होए ने, उत्थे इस मामले ते सियासतदान भी अपना विरोध जता रहे ने। सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला ते जसवीर सिंह डिंपा बीते कल तो दिल्ली दे जंतर मंतर ते धरने ते बैठे होए ने अते पूरी रात उन्हां धरने ते ही बैठ के गुजारी है। इस मौके आज शूना की है कि जे किसान पूरी रात धरने ते बैठ सकदे तां ओह क्यों नहीं। इस नाल ही ओह अज दे भारत बंद नूं पूरा समर्थन दे रहे ने। उन्होंने केंद्र सरकार को अपील की है कि विशेष इजलास सद के खेती कानून रद्द किए जाएं। आज पंजाब का किसान जो कि बहुत औखे समय चो लंघ रहा है, जिस नूं सिर्फ ते सिर्फ एक लालच, एक अपना कुड़बा पालन वाली सोच ते एक अड़ियल रवैये कारण अज 2.5 लाख लोग बजुर्ग मावां ते बच्चे बार्डरां ते बैठे आ ते मोदी दा सियापा कर रहे हैं। मोदी हंकार दे विच गुलतान होया, किसी की उन्हां दी गल नहीं सुन रहा, उन्हां दीआं जायज मंगा नहीं मन रहा। मेरी बेनती है इन्हां किसानां नूं दीआं तुसीं मंगा जिहड़ियां मन्नो। सो जिन्नी देर ये जिहड़े आ साडे साथियां ने धरना जिहड़ा शुरू कीता है, असीं MP पंजाब दे आपदे लोकां वास्ते आपदे किसान वास्ते इस धरने के डटे रहा। 8 तरीक का जिहड़ा भारत बंद आ, असी खास तौर पर उरे बैठे हाँ। अज इन्हां दी हिक ते असी किसान आम अज असी इत्थे बैठे हाँ, ते उन्ना चिर बैठे रहांगे। आ प्राइम मिनिस्टर हाउस नाल आ पार्लीमेंट हाउस आ, इन्हां नूं दिखदा रहे किसान साडा अज अन्नदाता साडा सड़कां ते रुल रहा। 3 वेले जिहड़ा ढिड भरदा ना सब दा, वो अन्नदाता अज
सड़कों पर बिठाया बीजेपी ने, इस करके सरकार बनाई सी। पर कोई गल नहीं, टक्करांगे। एक खूंडा जिहड़ा जट ने चक लिया किसान ने, तो यह सप्पां दीआं सिरियां मिध दिंदा है। तो इस करके सरकार सपूर उहदा गल ही कुछ नहीं। बड़ियां आईयां बड़ियां गईयां, किसान अन्नदाता है, इन्हें अन्नदाता ही रहना है। तो अपनियां शर्तां मोदी साहब जल्दी तो जल्दी, असीं जिहड़ी MP डिमांड कर रहे हैं भी पार्लीमेंट सैशन सदो, थोड़ी मजोरिटी आ, जो किसान जिहा जे बिल चाहुंदे आ उहो जे बना के नवा साल खुशियां दा तुसीं किसानां नूं दो। आ साल तां पहलां ही करोना ने मार लिया, तो चंगा साल चंगे बिलां नाल उहनां दा चढ़ाओ, तो जिहड़ा कि सारे भारत लई ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਆ ਉਹ ਭਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੇ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਾਟੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੋਭੇ ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। मीडिया ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
और लोगों की सेवा भाव देख के लोगों का त्याग देख के सिर निम जाता। मैं किसान जथेबंदियों इस अपने हकों की लड़ाई लई वधाई देता हाँ ते समय की सरकार नू प्रेरणा करता हाँ कि एहो जे कानून कदे ना बनाओ जिदे नाल साडे देश दे अन्नदाते तथा सब लोगों के जीवन में खलबली पैदा हो जाए। केंद्र सरकार के तीन काले कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियों वालों अज भारत बंद का ऐलान किया गया जिसनों सफल बनाने पंजाब के नाल कई सूबे आके खड़े हो गए हैं। भारत बंद को सफल बनाने लिए तत्पर ने। पंजाब में भारत बंद का पूरा असर विखाई दे रहा है और इतने दुकाना बाजार मुकम्मल तौर पर बंद ने। सड़कों से ना मात्र आवाजाही है। किसानों वालों खेती सुधार कानूनों के विरोध में किए गए बंद के ऐलान के समर्थन में पटियाला मुकम्मल तौर पर बंद है। किसानों के नाल नाल दुकानदारों व्यापारियों वक्त मुलाजम जथेबंदियां इतों तक कि सिक्ख्या संस्थावें भी बंद ने। चंडीगढ़ टाइम टीवी की टीम वालों वक् वक् थावां का दौरा किया गया जिथे समुचे बाजार और होर संस्थावां बंद मिली। दोधियां वालों अज लोगों के घरों में दुध की सप्लाई नहीं की गई और सब्जी वाले ने मुकम्मल हड़ताल रखी है। शहर में कई थावां ते दुकानदारों वालों भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए हैं। त्रिपड़ी मेन बाजार वेलफेयर एसोसिएशन वालों दुकाना बंद करके मार्केट में रोस मार्च कटे गए। दुखी हुए हैं किसानों जो ये तंग कर रही है गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार ने जिहड़ा कानून बनाया सब तो गलत कानून हैगा। ये किसानों की थाली चो रोटी चक रहा है, आम पब्लिक की थाली चो रोटी चक रहा है और अपने अमीर बंदियां नू पैसा देने वास्ते तैयार होया हुआ है। इसने इतना गंदा काम किया है कि सारी दुनिया दुखी है। इस करके असी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कानून जल्दी तो जल्दी वापस किए जाए ता कि आम किसान अपनी मेहनत कर सके और खेतीबाड़ी कर सके। इतों तक दुकाना की गल है, किसी दुकान बंद करने वास्ते नहीं कहा गया। अपने आप सारे लोग बंद कर रहे हैं तो सारा दिन दुकाना बंद करने 11 to 3 तक असी किसान बथे जथेबंदियों की जो उन्हों की डिमांड है भी 3 तक चक्का जाम करना। अभी 3 चक के चक्का जाम करा। असी पोलीटिकल तौर पर नहीं, असी आम नागरिक के तौर पर रॉयल फ्रेंड साडा ग्रुप है वो तौर पर असी यह जिहड़ा हैगा दुकाना बंद वास्ते जां किसी नूं असी जबरदस्ती किसी नहीं करांगे। पंजाब के जिला गुरदासपुर में इस बंद का असर सवेर तो ही वेखण को मिल रहा है। जिला गुरदासपुर के बटाला की मुख्य सब्जी मंडी में कामकाज बिल्कुल बंद रहा है। आढ़तियों का कहना है कि अज के बंद का समर्थन देने का उन्होंने वालों ऐलान किया गया सी क्योंकि जेकर यह कानून रद्द नहीं होंगे ने तो किसान उन्होंने भी इस खेती कानून का सीधा असर उन्हां दे वर्ग ते होवेगा। इस दे नाल ही बसां दे आवाजाई भी ठप वेखण नूं मिल रही है अते बस स्टैंड विच पन बस अते निजी बसां बंद वेखण नूं मिल रहियां ने। किसान जथेबंदियों वालों अज बंद के ऐलान तहत नवांशहर पूरी तरह बंद है। इस मौके पुलिस वालों भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दुकानदारों वालों अपन दुकाना बंद रखी गई ने। गलियों में कोई दुकान ज रेहड़ी नहीं विखाई दे रही है। आवाजाही पूरी तरह बंद है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। शहर में अमन शांति के नाल नाल वक् वक् जथेबंदियों वालों रोस मार्च करते हुए धरने प्रदर्शन किए गए हैं। इस नाल ही सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध किए गए हैं ता जो कोई भी शरारती अंसर माहौल को खराब ना कर सके। उधर भारत बंद के सदे तहत बंद का असर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं पर भी पे। इतने श्रद्धालु ना मात्र गिनती में नतमस्तक होने लिए पहुंचे। उधर दूसरे पास भारत बंद दौरान अमृतसर के पूरे बाजार बंद रहे हैं। DCP जगमोहन सिंह ने पत्रकारों से गलबात करते कहा है कि किसानों वालों जारी धरना शांतमय ढंग से जारी है तो किसी भी नूं भी माहौल खराब करने की आग्ञा नहीं है। केंद्र सरकार तो खेती सुधार कानूनों नू वापस कराने की मांग नू लेके चल रहे किसान अंदोलन संघर्ष तहत अज भारत बंद के सदे ते श्री मुक्तसर साहिब विखे भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। किसानों के इस संघर्ष नू व्यापारी आड़ती दुकानदार मजदूर मुलाजम अते हर वर्ग वालों साथ दिता गया अते बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे हैं। इस दे चलदे बाजारों में सन्नाटा पसरिया नजर आ रहा है।
बस स्टैंड से भी वीरानगी छाई नजर आई है। बसा की सर्विस भी मुकम्मल बंद रही है। श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा चौक में जिम मालक के दुकानदारों वालों धरना लगा के सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई और सरकार के किसानों के हक में नारे भी लगाए गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जोगीर कौर वालों हुए आदेशों मुताबक किसान जथेबंदियों वालों दिए भारत बंद की कॉल से अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के समूह दफ्तर बंद रखे गए। इस मौके गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के मैनेजर करम सिंह ने कहा है कि अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के समूचे दफ्तर बंद रखे गए हैं। किसान जथेबंदियों वालों भारत बंद की कॉल भी शमूलियत की गई। मैनेजर करम सिंह ने कहा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर पक्ष तो किसान जथेबंदियों के नाल खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों वालों दिए जा रहे धरने में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लंगर और होर लोड़ीदी समग्री पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार के बनाए खेती कानूनों के विरोध में किसानों वालों जिथे संघर्ष को तेज कर दिया गया उत ही किसान जथेबंदियों वालों 8 दसंबर को भारत बंद की दी गई कॉल के तहत अज बठिंडा में पूर्ण तौर पर बाजार बंद रहे हैं। भारत बंद का असर विखाई दिता पर इसके उल्ट शराब ठेकेदारों वालों भारत बंद की परवाह न करद शराब के ठेके शुरेआम खुले वेखे गए जबकि कोल खड़ी पुलिस भी यह ठेके बंद ना करवा सकी। बस स्टैंड के बाहर मल्होत्रा ग्रुप के ठेके शुरेआम खुले वेखे जा रहे हैं पर बठिंडा की सड़कों के पंजाब बंद का असर वेखन मिले और सड़क भी सुनसान विखाई दीतियां ने जिस तहत लोग आवाजाही तो परहेज करते नजर आए। जिला बठिंडा विखे पेट्रोल पंप दुकाना सब्जी मंडी दाणा मंडी मुकम्मल तौर पर बंद रही। किसान दिल्ली सिंगी बॉर्डर से अपना धरना लगा के काले कानूनों रद्द कराने संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे पासे पंजाब के किसानों वालों भारत बंद के सदे उत्ते आज टोल प्लाजा अजीजपुर और बनूड बस स्टैंड स्थित धरना लगाया गया। इस धरने दौरान किसानों वालों सारे मुख्य मार्गों से सड़कों से सारी आवाजाही बंद रखा गया। इस धरने दौरान किसानों वालों मोदी सरकार ने काले कानून रद्द करने की चेतावनी दी गई है। इस धरने सफल बनाने लिए पंजाब के हर एक पिंड तो किसानों ने इस धरने समर्थन दे के रोस प्रगटावा किया। बुढ़लाडा सब डिवीजन के बूहा बरेटा बुढ़लाडा में इस बंद का भरपूर समर्थन वेखन मिले। इस दौरान जिथे कामकाज वाली दुकाना 100% बंद रही ने उत्ते ही वक् वक् थावां ते मोदी सरकार विरुद्ध रोस भी प्रकट किया गया। इस मौके वक् वक् किसान जथेबंदियों के आगुआ ने केंद्र की सरकार खिलाफ जम के रोस जताया। इस दौरान औरतों ने बंद को पूरा समर्थन दिया। भारत बंद के सदे को हुशियारपुर शहर के मुकम्मल हुंगारा मिले जिथे आम लोगों वालों दुकानदारों ने आप मुहारे दुकाना बंद रख के इस सदे को भरवा हुंगारा दिंदिया मोदी सरकार का डट के विरोध किया। उते ही शहर दियां आप मुहारे सारिया ही जथेबंदियां एकजुट होकर हुशियारपुर शहर दियां सड़कां ते रोस मार्च करदियां हुईयां मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे मारदियां हुईयां संस्थावां दा हड़ा गया। इस भारत बंद दौरान किसान जथेबंदियों तो इलावा ऑटो रिक्शा यूनियनस वक् वक् सियासी और धार्मिक समाजिक जथेबंदियों के नुमाइंदे ने वड्डी पद्धर से रोस मार्च किया। मोदी सरकार नूं कानून वापस लैण दी पुरजोर अपील की। उधर संगरूर विच बंद नूं परवां हुंगारा मिले। संगरूर दे मेन बाजार अते होर स्थानां ते दुकानां संपूर्ण तौर ते सवेर तो ही बंद रहियां ने अते हर वर्ग दे लोकां ने अपने कारोबार बंद कर दिते गए बंद दा समर्थन दित्ता। खेती आर्डिनेंस नूं लेके जिला कांग्रेस कमेटी दे लुधियाना स्कूटर ट्रेड एसोसीएशन जिला प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई में डीसी दफ्तर के बाहर रोस धरना दिता गया जिस विच उचिचे तौर पर नगर निगम मेयर बलकार सिंह संधू कई होर नामवर शख्सियतों ने हिस्सा लैके केंद्र अते सरकार तो मांग की है कि इन तीन काले खेती कानूनों को जल्द ही रद्द किया जाए क्योंकि जे देश का किसान है तो देश की जवानी है।
केंद्र सरकार वालों किसान किसानी मारू बनाए गए काले बिलों के रोस वजो अज गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब तो श्रोमणी अकाली दल के मुलाजम विंग ने वड्डी गिनती विच दिल्ली किसान जथेबंदियों वालों दिते जा रहे धरने शमूलियत करन लई रवाना होए। इस जथे विच पंजाब भर तो कर्मचारी दल के वर्करां ने शमूलियत की। इस मौके संबोधन करदे श्रोमणी अकाली दल के कर्मचारी विंग के सूबा प्रधान जथेदार करमजीत सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार वालों बनाए गए खेती कानून रद्द किए जाने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि जदों तक केंद्र सरकार यह काले कानूनों को रद्द नहीं करती उदों तक वह किसानों की हिमायत में दिल्ली अपने साथियों समेत धरने में हाजिर रहेंगे। केंद्र सरकार वालों पास की गई खेतीबाड़ी सोध खिलाफ किसानों वालों दिल्ली विखे किए जा रहे संघर्ष में शामिल होने जिथे वड्डी गिनती में किसानों वालों दिल्ली वल लगातार जाना जारी है उथे ही केंद्र सरकार वालों पास की गई खेतीबाड़ी सोध बिल नूं रद्द कराने लई किसानों के हक में हर वर्ग के लोगों वालों हमायत जारी है। इंडियन वैटरन ऑर्गनाइजेशन के जवान भी खेतीबाड़ी सोध बिल नूं रद्द कराने के हक में किसानों के संघर्ष नूं पूर्ण तौर पर हमायत देंदे होया संघर्ष में नितरन लग पए ने। जिस सदका अज स्थानक शहर दिड़बा तो भी कैप्टन गुलाब सिंह जिला प्रधान इंडियन वैटरन ऑर्गनाइजेशन की योग अगवाई हेठ जवानों का काफिला किसानों के संघर्ष में शामिल होने लिए रवाना होया। इस मौके उन्होंने कहा कि असी सैनिक होने के नाल नाल किसान मेहनतकश लोग होने करके इंडियन वैटरन ऑर्गनाइजेशन के जवान केंद्र सरकार वालों पास की गई खेतीबाड़ी सोध बिल को रद्द कराने के हक में दिल्ली विखे चल रहे किसानों के आर पार के संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं। उक्त व्यक्ति ने सरकार के किसानों प्रति अड़ियल रवैये और घटिया सोच की तिखी आलोचना करते हुए कहा है कि इतिहास में पहला कभी भी अजिहा फैसला नहीं होया कि सैनिकों दीयां पेंशनां विच वधोतरी किए जाने की बजाय कटौती किए जाना सरकार की इस तो वध होर मंदभागी और घटिया सोच हो सकती है जिन्हों नूं ओह कदे भी बर्दाश्त नहीं करनगे। मोगा के पिंड कोटिया तो दिल्ली सिंगू बॉर्डर से धरना देन गए किसान मेवा सिंह जिन्हों की उम्र 45 साल की सी उन्होंने दिल का दौरा पैन कर उन्होंने मौत हो गई। जदों किसान मेवा सिंह की मौत की खबर पिंड विच पहुंची तो पिंड विच सोग की लहर दौड़ गई। परिवारक मैंबरों के दसण मुताबक मेवा सिंह 7 दिन तो लगातार दिल्ली सिंगू बॉर्डर से किसानी मंगा लिए संघर्ष कर रहे सन जिसनों देर रात दिल का दौरा पैन कारण उन्होंने मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मेवा सिंह परिवार विच इकला ही कमाऊ सी। उन्होंने कहा कि जिथे उन्होंने मेवा सिंह की मौत का दुख होया उत्थे ही वह किसान यूनियन आगुआं नाल मिल के परिवार के लिए आर्थिक मदद करवाने के यतन करनगे। उन्होंने पंजाब सरकार को भी अपील की है कि पीड़ित परिवार की वध तो वध मदद की जाए। अगली खबर वल भारत में 24 घंटे करीब 5 महीने बाद अज कोविड-19 के 27,000 तो घट नवे मामले सामने आए हैं। इस दे नाल ही देश में इन्फेक्शन के मामले बढ़ के 97 लाख के पार चले गए हैं जिन्हों में 91.78 लाख तो वध लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़े अनुसार कोविड-19 के 26,560 नवे मामले सामने आने तो बाद ही देश में इन्फेक्शन के मामले बढ़ के 97,03,770 हो गए ने। उते ही 385 होर लोगों की मौत तो बाद मृतकों की गिनती बढ़ के 1,40,958 हो गई है। अंकड़े अनुसार देश में 91,78,946 लोगों के सेहतयाब हुए हैं। उते ही कोविड-19 नाल मौत दर बढ़ के 1.45% है। देश में लगातार दूसरे दिन इलाज अधीन लोगों की गिनती 4 लाख तो घट है। हुण 383,866 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 3.96% है। फिलहाल खबरों में इन्ना ही। आओ फिर जान जाने एक नज़र मारते हैं भारत के मौसम के हाल से। रिपोर्ट पावर्ड बाय ईजी।